कैंट पुलिस ने 8 जुलाई को हड़ावा रोड पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मोहद्दीपुर पड़हा टोला शिव मंदिर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूर्य प्रकाश मिश्रा उर्फ सूरज पुत्र भरत मिश्र निवासी सत्यमार्ग गली पड़हा शिव मंदिर मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी पता चमन थही पोस्ट चांदपुर थाना बैरिया जिला बलिया के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्राप्त 680 रुपये बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 9 जुलाई की रात 2:30 बजे रेलवे बस स्टैंड से मोहद्दीपुर आया, वहां छप्पर में एक बुढ़िया सो रही थी। मैं जानता था कि वह मंदिर की साफ सफाई करती थी और चाबी उसके गले में ही थी। मैं उसके गले से चाबी निकालने लगा तो वह जग गई और शोर मचाने का प्रयास किया, तो जो उसके गले में बटुआ था उससे गला खींच दिया और मुंह दबा दिया, और जब वह शांत हो गई तो मैं उसके बटुए से करीब 250 से 300 रुपये था उसको निकाल लिया तथा मंदिर की चाबी लेकर मंदिर का दरवाज़ा खोलकर दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 2000 से 2500 रुपये के 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्के तथा 10 व 20 के साथ 100-100 रुपये के नोट मिले। अभियुक्त के बताए हुए जगह पर जाकर तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैंट जो तालाब के किनारे फेंका मिला, जिसे मौके पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त पहले से कैलाशी देवी के परिवार को जानता है, उनके मकान में 5 से 6 वर्ष पहले किराए पर रहता था, कैलाशी देवी को पूरी तरह से जानता था। अभियुक्त ने पैसे की लालच में घटना को कारित किया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, सर्विलांस प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक शशि किरण सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, राम इकबाल राव, विनोद कुमार, उदय कुमार सरोज, अशोक यादव, जोगेंद्र कुमार, गणेश शंकर पांडे, अशोक चौधरी, दुर्गेश मिश्रा, करुणापति तिवारी, रणवीर सिंह, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बाकी दोनों को भी ले आओ, रुको आ जाएं दो, आ जाएं दो। चल रहे हैं सर, बट हम आए हैं देखिए। 9 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में थाना कैंट क्षेत्र के मोहद्दीपुर जो चौकी क्षेत्र है उसमें एक 75 से 80 वर्षीय वृद्ध महिला की डेड बॉडी जो है वहीं पर एक छप्पर में मिली थी, जहां पर वो महिला काफ़ी समय से रहती थी और चाय वगैरह बेचने का काम करती थी। साथ ही साथ उस छप्पर के सामने का जो मंदिर है उसके भी जो गोलक है वहाँ से भी पैसे चुराए जाने की जो एविडेंसेस वहाँ से मिले थे। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा एडीजी सर, डीआईजी सर और हमारे द्वारा किया गया। घटना की जो घटना से जो एविडेंसेस जुटाए गए उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला के पास एक तो चाबी रहती थी और प्लस उसके पास एक वॉलेट रहता था जो गले में चेन की तरह उसके बंधा रहता था। इस घटना का अनावरण हेतु वहाँ की लोकल पुलिस के साथ साथ एसओजी सर्विलांस टीम को भी साथ में लगाया गया और आसपास के सभी सीसीटीवी के कैमरास को खंगाला गया। इस घटना से संबंधित एफआईआर उनके बेटे द्वारा पंजीकृत कराई गई थी। जब टीम को सीसीटीवी कैमरास में एक संदिग्ध व्यक्ति रात में 2:30 बजे के आसपास उसका मूवमेंट घटनास्थल के आसपास का मिला तो इस संबंध में वादी को भी कंसल्ट किया गया और आसपास से जानकारी की गई। वादी द्वारा एक व्यक्ति पर शक जताया गया, इसके आधार पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जो उसके द्वारा घटना की कारित की गई है उसको स्वीकार किया है। इस व्यक्ति का नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है जो कि इसी मूलतः देवरिया का रहने वाला है लेकिन यहीं पर काफ़ी समय से रह रहा है। ये इस मृतक महिला से पूर्व से परिचित था क्योंकि उसी के बेटे के घर पर ये पहले किराए पर रहता था। नशे का आदि होने के कारण ये उस महिला के पास कुछ पैसे लेने के लिए गया था, वहाँ पर विरोध होने के कारण इसके द्वारा पैसे छीनने की घटना करने के साथ साथ महिला का उसी जो उसका पर्स था उसी से उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई। उसके पर्स में से मंदिर की चाबी निकाल कर मंदिर के गोलक से भी इसके द्वारा पैसे निकाले गए और उसके बाद ये लड़का वहाँ से फरार हो गया।
इसको आज पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण अल्प अवधि में पुलिस द्वारा किया गया है। देखिए, एक घटना प्रकाश में आई थी जहां पहले भी महिला के साथ इस तरह की घटना होने की बात हुई थी। वो जो उस घटना में शामिल व्यक्ति का उस बारे में भी जानकारी की गई, उसके द्वारा ये घटना नहीं की गई है। इस व्यक्ति का क्योंकि CCTV में जो हुलिया आया था उसका जो वादी द्वारा ही इसको पहचाना गया था, सूचना दी गई थी और अल्टीमेटली जब इससे पूछताछ हुई है तो यही व्यक्ति इस घटना को पारित करने के लिए शामिल पाया। देखिए, बेसिकली इसके द्वारा पैसे ही वहाँ से चुराए गए थे जो इसके द्वारा कहीं खर्च कर दिए गए हैं और बाकी इसके जो कपड़े हैं जो उस घटना के समय पर ये पहने हुए था वो वहाँ से बरामद हुआ।